अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैजान नजीब, मेरे साथ है फवाद आलम एंड वी आर हियर विद जुबली मैच एनालिसिस। फवाद, पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद, बहुत लो स्कोरिंग गेम रहा, सिर्फ 179 रन बने। सिर्फ थे सिर्फ मतलब पिंडी के हिसाब से चले तो 179 बन रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर एक में तो 263 भी बना है, तो उस लिहाज से आपको लग रहा है, लेकिन दोपहर का मैच था, इवनिंग का जो है आफ्टरनून का मैच था, और उसमें ये था कि विकेट जो है स्पिनर का बड़ा कमाल था, उसमें थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था और हल्का सा बॉल रिवर्स भी हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना फ़ायदेमंद साबित हुआ इस्लामाबाद के लिए पहले, क्योंकि अगर आप शुरू की बैटिंग देखें जलमी की, तो हारिस और जब राजा पक्सा ने जो पार्टनरशिप लगाई तो ऐसे ही लग रहा था कि फिर अगेन 230-240 रन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टनरशिप टूटी तो इस्लामाबाद ने कमबैक किया और फिर उसके बाद हारिस को भी आउट किया, तो उसके बाद इस्लामाबाद में उनको रन नहीं करने दिए, लेकिन अभी भी स्टिल उन मिर्जा ऐसा लगता है कि 30 रन उन्होंने ज़्यादा करवा दिए जल्दी आउट करने के बावजूद भी। इनको शुरू के 10 ओवर में 116 रन किए और आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 63 रन हुए, 7 विकेटें गिरी, उसके बावजूद आप कह रहे हैं 30 रन ज़्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब विकेट पे विकेट गिरती है ना तो मुश्किल होता है आने वाले बैट्समैन के लिए, और कल का विकेट ऐसा नहीं था कि आते के साथ ही इजीली शॉट्स खेले जाएं, तो वो नज़र भी आ रहा था। और आपने देखा होगा कि जब इस्लामाबाद भी जब बैटिंग करने आया है तो इतना आसान नहीं हो रहा था रन बनाना, क्योंकि डिफरेंट विकेट था, तो उसके लिए जो है बैट्समैन के लिए इजी नहीं था, बॉलर के लिए थोड़ा बहुत, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ था, थोड़ा बहुत था, जैसे स्पिनर्स हो गए उनके लिए ब्रेक था थोड़ा सा, फास्ट बॉलर्स के लिए ये था कि स्लो वन जो वो कर रहे थे वो बल्ले पे इतनी आसानी से नहीं आ रहा था, पिछले जो मैचेस हुए उसमें यह था कि वो स्लो वन भी कर रहे थे तो उसी पेस से आ रहा था, तो कनेक्ट हो रही थी शॉटें। अगर आप कल की अगर आप बॉलिंग देखें इरशाद की, जो इरशाद को खिलाया और वसीम जूनियर जब बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने जितनी भी स्लो वन किए उनको, वसीम जूनियर को एक हिट नहीं लगी वसीम जूनियर से, क्योंकि वो घूम जाते थे, बॉल बाद में आता था, तो इससे पता चलता है कि विकेट थोड़ा सा स्लो था, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह उन्होंने पकड़ लिया था टीम को, जलमी को जल्दी आउट किए थे उनके, क्योंकि बाबर भी नहीं खेले, उनसे बड़ा आपको पता है फ़र्क पड़ता है, सैम अयूब जीरो पे आउट हो गए, तो जब आप जो दो मेन प्लेयर थे उनके जो रन्स कर रहे थे वो उनको आपने जल्दी आउट कर लिया, एक तो जल्दी आउट कर लिया, एक तो खेला ही नहीं, फिर हारिस इतना फॉर्म में नहीं थे लेकिन कल कमाल बैटिंग की उन्होंने, और फिर जब नीचे से जो है जब प्लेयर्स आते गए उनसे परफॉर्म नहीं हुआ वैसा जैसे करना चाहिए था जलमी के। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की तरफ भी आते हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कंट्रोल में आ रहे हैं वो गेम के, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही फ्लो चल रहा था और विकेट्स गिरे जा रही थी। देखिए, अगर इस्लामाबाद की बैटिंग की बात की जाए, हमने पहले भी यही बात की कि इस्लामाबाद का पता नहीं चलता कि उसने क्या करना है, जैसे लाहौर कलंदर से ना शुरू से लेके कि उन्होंने करना है तो बहुत बड़ा ही कुछ कर देना है और नहीं करना तो एकदम से जो है कुछ नहीं करना, तो वही हो रहा है। इस्लामाबाद को जो फ़र्क पड़ रहा है वो आज़म खान से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके इंजर्ड होने में अभी पता नहीं है हमें कि वो कितना इंजर्ड है, शायद उसको रेस्ट दिया गया हो मैच में ताकि आगे आने वाले जो प्लेऑफ के मैचेस हैं उसमें वो अवेलेबल हो टीम के लिए, लेकिन इस्लामाबाद को पता चल रहा है कि उसकी कितनी कमी महसूस कर रहा है इस्लामाबाद, क्योंकि जब भी चेस किया इस्लामाबाद ने तो आज़म खान का बहुत बड़ा रोल होता था उसमें, और जैसे कल का मैच था फहीम ने जिस तरह आके बैटिंग की नीचे से, तो ऐसा लग रहा था कि 30-40 रन से मैच जो है हार जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन एट दी एंड जब फहीम ने जब छक्के मारने शुरू किए हैं तो ऐसा लग रहा था कि अब इस्लामाबाद मैच जीत जाएगा। तो ये T20 क्रिकेट ऐसी है, अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन यह है कि अच्छा है प्लेऑफ में जाने से पहले पहले जो है इस्लामाबाद को एक और वेकअप कॉल मिली है, और अगर आज़म खान फिट होके आएंगे तो इस्लामाबाद की टीम और अच्छी और बैलेंस हो जाएगी आने वाले मैचों के लिए। जलमी के बॉलर्स जो है उन्होंने अपनी नींद अब सही तरह पूरी की होगी। नहीं, हारिस से बात भी होती तो वो कहते कि भाई हमारा जो है बॉन्डिंग ऐसी है कि हमने 240 भी खाए हैं तो कुछ भी नहीं कहा एक दूसरे को, ईदी थे तो ये हमारी बॉन्डिंग है। तो खैर, जोक्स आर पार्ट, नहीं बॉलर्स के लिए पता ही चल रहा था कि मुश्किल हो रही थी उन मैचेस में, बट कल पता चला कि ठीक है जहां पर उनको फेवर मिलेगा तो जलमी के बॉलर इतने बुरे नहीं हैं, तो वो सेव कर सकते हैं रन। इवन अगर आप देखें तो अरशद नहीं खेले, वहाब रियाज भी नहीं थे टीम में, क्योंकि उन्होंने रेस्ट दिया अपने बॉलर्स को ताकि वो आगे किसी को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इंजरीज हो रही हैं, बाबर जो है बुखार है उनको, तो वो जो है वीकनेस महसूस कर रहे थे इसलिए वो मैच नहीं खेले, जैसे आज़म खान नहीं खेले, सरफराज को बॉल लग गया, तो जाहिर है करीब करीब आ रहा है जो है टूर्नामेंट जो है ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से, और शाहीन भी नहीं खेले, तो ये इस चीज़ यही होता है कि बड़े प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है ताकि आने जो मेन मैचेस हैं उनमें वो फिट और अपनी टीम के लिए अच्छी
डिलीवरी कर सकें। फाइनल वर्ड लेंगे एलिमिनेटर, सेम टीम्स मध्य मुकाबल होंगे, ऑफकोर्स टीम में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ प्लेयर्स आएंगे वापस, किस तरीके से देख रहे हैं फाइनल वर्ड? देखिए मुल्तान सुल्तान और लाहौर के अंदर एलिमिनेटर की बात करेंगे। अच्छा, जलमी और इस्लामाबाद वापस से आमने सामने हैं। देखिए दोनों टीमें जो है ना कुछ भी कर सकती हैं। हाँ। कोई आप ये नहीं कह सकते, अगर जैसे लाहौर और अगर उनका मैच हो रहा है ना इस्लामाबाद को, तो आप कह सकते नहीं लाहौर। अगर मुल्तान उनका मैच हो रहा है तो आप कह सकते हैं मुल्तान। लेकिन यहाँ पर दोनों टीमें एक जैसी हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं ऑन अ डे, ऑन द डे, ऑन अ डे वो कुछ भी कर सकती हैं। तो उस टाइम जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। और ये है कि उनके प्लेयर्स दोनों टीमों के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जलमी में थोड़ा सा एज हासिल है। अगर उनकी पहली बैटिंग आती है तो वो कर सकते हैं, इवन कि उनकी अगर सेकंड बैटिंग भी आती है, क्योंकि लाहौर में अब आ गया है तो डिफरेंट विकेट मिलेगी, पिच डिफरेंट मिलेगी, जो बॉल आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, तो उनको देखना है कि उस चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे। फवाद ने क्लियरली नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियरली एक और बात जरूर बता दी कि जलमी को एज जरूर है। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही। वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।